नमस्कार जी, मैं हाँ बलविंदर हाली ते तुसी देख रहे हो पंजाब डेयरी। फरीदकोट दे विच हुण नजायज़ असला आम लोग लैके विच लई तुरे फिरदे आ, इह गल साबित हो गई है। पिछले एक हफ्ते दौरान 5 नजायज़ असलियां दा फड़े जाना इस गल दा सबूत है। पिछले हफ्ते पुलिस ने 4 विदेशी हथियारों समेत एक व्यक्ति नूं फड़िया सी ते एक व्यक्ति जेल दे विच्चों उस नूं सपोर्ट कर रहा सी। ते अज एक होर नजायज़ असले नाल CIA स्टाफ ने नौजवान नूं गिरफ़्तार किया, जिसका नाम मनिंदरजीत सिंह बिट्टा दस्या जा रहा है। इस कोलों भी CIA स्टाफ की पुलिस ने एक इंडियन मेड का रिवालवर फड़िया ते नाल उसके कुछ कारतूस भी बरामद किए। फरीदकोट दे विच हुण नजायज़ असला आम विकण लग्या। इसकी उदाहरण अज फरीदकोट तो गिरफ़्तार किए गए मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जिहड़ा कि भागसर रोड मुक्तसर नाल संबंधित सी। CIA स्टाफ के इंचार्ज अमृतपाल सिंह भाटी ने जो दस्या वह तत्थ सामने चौंका देण वाले आ। पिछले हफ्ते ही हजे 4 विदेशी पिस्तौल पुलिस ने फड़े सी ते उस संबंधी एक व्यक्ति नूं गिरफ़्तार किया सी, जिहड़ा मुक्तसर जिले के हरबिलास सिंह दे हथियारां नूं सप्लाई करता सी गैंगस्टरां नूं ते माड़े अंसरां नूं, क्रिमिनल बंदे जिहड़े उन्हां नूं सप्लाई करता सी। ते हुण अज पुलिस दे एक होर व्यक्ति मनिंदरजीत सिंह उर्फ बिट्टा देओल गिरफ़्तार किया। पुलिस ने वह हथ लगा, पुलिस नूं सूचना मिली सी कि यह व्यक्ति इस इलाके दे विच एक नजायज़ हथियार लैके घूम रहा, तो उसनू वेचण दी ताक विच आ। ओ ये व्यक्ति जिहड़ा माड़े व्यक्तियों हथियार सप्लाई करन दा आदी है। पुलिस अनुसार इस ते पहलां भी कई केस दर्ज आ। पुलिस ने पिंड किला नौ दे पुल ते नाका लगाया ते नाके दौरान इस नूं रोक के जदों इसकी तलाशी ली गई ते इस तों एक पिस्तौल ते 6 कारतूस बरामद होया। पुलिस अनुसार जिहड़ा ये रिवालवर बरामद होया 32 बोर दा, इस तों ये ऑर्डिनेंस मेक है जिहड़ा असीं कानपुर तो आम करके लैके आउणे आ, वह मेक है। तो ये पुलिस नूं शक आ कि यह जां तां चोरी कीता होया किसी तों ते जां किसी तों ये खोया होया हथियार है। होर की कहा CIA स्टाफ के इंचार्ज अमृतपाल सिंह भाटी ने, आओ सुनते हैं उन्हां दी गलबात। जी माननीय SSP फरीदकोट के दिशा निर्देशों हेठ जी उन्होंने माड़े पुरशां दे ते नशे के खिलाफ मुहिम वढ़ी हुई है, वो अंतर्गत कल साड़ी पुलिस पार्टी SI गुरमीत सिंह की गश्ते सी, तो उन्होंने को इतलाह हुई भी मनिंदरजीत सिंह एलियस बिट्टा बिट्टा देओल भी कहिंदे उन्हों, ये वासी है जी कच्चा भागसर रोड मुक्तसर का, ये नजायज़ असले का कारोबार करता है, तो चोरी का ज नजायज़ असला लिया के तो इतने माड़े अंसर वेचता है। तो जे वो कल भी इतने देखा गया सी, जे नकाबंदी की जाए जो भाल की जाए तो काबू आ सकता है। सो गुरमीत सिंह ने सेम नाले ते कल नका लाया तो इनू काबू किया मनिंदरजीत सिंह बिट्टे देओल नूं, तो इहदे पासों एक 32 बोर रिवॉल्वर इंडियन ऑर्डिनेंस का तो 6 कारतूस जिंदा मिले, तो ये खिलाफ़ मुकदमा नंबर 98 अधीन धारा आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 थाना सदर फरीदकोट विखे दर्ज किया गया। सर इन्हें कोई संबंध लगते है किसी होर ना, जिवें लिया के इह किसी गैंग नाल जां किसी होर नाल जिन्हां नूं वेचदा सी? ये देखो जी, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, रात काफ़ी लेट हो गए थे जदों तक इहदी कार्रवाई हुई है, अरैसट पई है, तो अज इहनूं मानयोग अदालत पेश किया जाऊगा, इहदा रिमांड हासिल किया जाऊगा, तो उसते अगे जो भी खुलासे होणगे तुहानूं दस्से जाणगे। कोई अगे भी इहदे कोई परचा जी? हाँ जी, अगे इहदे ते 3 परचे, तिने मारकुटाई दे लड़ाई दे फौजदारी दे परचे। ते अगे भी हथियार लिया के वेचदा जी किते? हथियारां दा मसला हजे तक सामने नहीं आया, बट हुण इहनूं नजायज़ हथियार दे नाल फड़िया गया ते ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੱਚਾ ਭਾਗਸਰ ਰੋਡ ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਿਵੋਲਵਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਾਰਤੂਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? 6 ਕਾਰਤੂਸ ਸੀ ਜਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ।